जैसे कि मैंने बताया आज का हमारा टॉपिक है स्किन प्रेप करना। तो स्किन प्रेप करना इतना जरूरी क्यों होता है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि स्किन प्रेप और स्किन क्लीन करने में डिफरेंस क्या है। अगर हमने मेकअप करना होता है तो हमने अपनी स्किन को क्लीन किया तो हुआ है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्किन प्रेप। मैं आपको बता देती हूँ, जो स्किन प्रेप है इट मीन स्किन प्रिपरेशन। हमने ये मेकअप करने से पहले स्किन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने स्किन को सिर्फ क्लीन कर दिया कि उसके बाद हमारा स्किन क्लीन हो गया अब हम मेकअप कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रिजीम फॉलो करनी पड़ेगी जो आपके क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट मेकअप ऑन हर स्किन। इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हमारे होने चाहिए। स्किन प्रेप को स्किन प्रिपरेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका स्किन प्रेप है। और स्किन प्रेप में बेसिकली हमारे आता है CTM। अब ये CTM क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। CTM में C स्टैंड फॉर क्लींजिंग, T स्टैंड फॉर टॉनिंग, M स्टैंड फॉर मॉइस्चराइजिंग। तो इससे हम आपको पता चल जाएगा कि क्लींजिंग करनी, टॉनिंग करनी, मॉइस्चराइजिंग करनी, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन प्रेप। हमारी स्किन मेकअप से पहले प्रेप करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ क्लींजिंग करने से हमारी स्किन क्लीन तो हो जाती है लेकिन जो उसको नरिशमेंट चाहिए, जो उसको हाइड्रेशन चाहिए वो हमारी स्किन को नहीं मिला है। आपकी स्किन अभी तैयार नहीं हुई है मेकअप करने के लिए। जब हम अपने मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्किन के ऊपर लगाते हैं तो हमारी स्किन को ड्राई कर देता है क्योंकि हमने बहुत सारे लेयरिंग की है अपनी स्किन के ऊपर, वो धीरे धीरे आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देगी। तो इसीलिए लोगों को बाद में लगता है कि हमारा स्किन ठीक से प्रेप नहीं हुआ है, इनमें हमारा मेकअप केकी हो गया है या फ्लेकी क्यों लग रहा है। वही एक रीजन है आपका मेकअप केकी और फ्लेकी लगने का, क्योंकि आपने स्किन प्रेप में ही एक दो स्टेप मिस कर दिए हैं। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें से पहला स्टेप है स्किन को प्रेप करने के लिए बिफोर यू डू एनी मेकअप। आपका पहला स्टेप है क्लींजिंग। आपको अपने क्लाइंट की स्किन को इतने अच्छे से क्लींस करना है ताकि उसके स्किन के जो डस्ट है, इम्प्योरिटीज है, कुछ भी आप क्लाइंट अपने घर से आता है आपके स्टूडियो में मेकअप करवाने के लिए तो रास्ते में पोल्यूशन होता है, डस्ट होती है, आपकी क्लाइंट की स्किन डस्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो आपको उसकी स्किन को अच्छे से क्लींजर फेस वॉश के साथ अच्छे से क्लीन करना है। मैं आपको इस प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दूंगी कि आप क्लींजिंग किस चीज से कर सकते हो, टॉनिंग या मॉइस्चराइजिंग किस चीज से कर सकते हो। तो क्लींजिंग आपकी स्किन प्रेप का एक बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है इनिशियल स्टेज पे कि आपको अपने क्लाइंट की स्किन क्लीन करनी है। उसके बाद हमारी बारी आती है टोनर के ऊपर। अब टॉनिंग करना क्यों जरूरी है, जैसे हमने अपने क्लाइंट की स्किन को क्लीन किया है तो हमारी स्किन के अंदर का जो मॉइस्चर लेवल है वो खत्म हो गया, क्लीन करने से मॉइस्चर लेवल कम पड़ गया, धुल गया है, साफ हो गया है, स्किन के जो पोर्स है वो ओपन हो चुके क्योंकि हमने क्लीन करके उसमें से डस्ट निकाल दी है। अब हमारा हाइड्रेशन लेवल कम हो गया है,
सोप या फेस वॉश यूज करने से अब हमारे पोर्स भी ओपन हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें टोनिंग करनी जरूरी है। टोनर क्या करेगा, आपकी स्किन जो पोर्स ओपन हो चुके हैं उसको मिनिमाइज करेगा, क्योंकि अगर हम मेकअप करते हैं हमारे पोर्स ओपन ही दिखते हैं तो वो अच्छी लुक नहीं आती, इतना फिनिशिंग लुक अच्छी नहीं आती, तो इसलिए हमें पोर्स को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है, जो सीरम होता है, वो टॉनिंग से दोबारा उसको लॉक किया जाता है कि ताकि स्किन फर्दर और ड्राई ना लगे। तो टॉनिंग करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जो पोर्स ओपन हो चुके हुए क्लिंजिंग के बाद उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसके बाद हमारा लेवल आता है मॉइस्चराइजिंग का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप कभी भी स्किप मत करो, कभी भी। कुछ गर्ल्स क्या करती है, उनको लगती है कि स्किन क्लाइंट की ऑयली है तो मॉइस्चराइजर स्किप कर देती है, ऐसा कभी भी नहीं करना, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मॉइस्चराइजर आपको हमेशा यूज करना ही करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, क्योंकि हमारे स्किन की क्लींजिंग करने के बाद हाइड्रेशन लेवल कम हो गया है, मॉइस्चर उड़ गया है, तो टोनिंग करके हमने पोर्स तो मिनिमाइज कर लिए लेकिन हाइड्रेशन लेवल उतना वापस नहीं लाया, तो उसके लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने क्लाइंट की स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाना है और पूरे फेस पे लगाना है, वो बहुत जरूरी है, इससे आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा और आपकी स्किन एक तरह से प्रेप हो जाएगी मेकअप के लिए। तो ये तीन स्टेप बहुत ही जरूरी है, क्लींजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग। दिस इज द ऑल वर्ल्ड स्किन प्रेप, क्लींजिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजिंग, CTM। CTM को ही स्किन प्रेप कहते हैं। तो अब आपको ये नॉलेज हो ही गई होगी कि मेकअप से पहले फेस को सिर्फ क्लींज नहीं करना, पूरा CTM फॉलो करना है ताकि आपके क्लाइंट की स्किन क्लींज भी हो सके, टॉन भी हो सके और मॉइस्चराइज भी हो सके। अब मैं इसके बाद आपको बता देती हूँ कि अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका। अब हमने इतना जान लिया होगा कि CTM होता क्या है, अब मैं आपको बता देती हूँ CTM में वैरायटी क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है। जो हमारा CTM होता है, अलग अलग स्किन टाइप के अलग अलग हमें यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर क्लाइंट की स्किन पे हम एक ही CTM खरीद रहे और सबकी स्किन पे वही लगाते रहे, हमारे पास दो तीन वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम मैंने आपको बताया था पहले ही डे वन की क्लास में कि सबकी स्किन अलग होती है, नॉर्मल ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन हो सकती है, इसलिए आपको प्रोडक्ट भी उसके हिसाब से ही यूज करने चाहिए। जो CTM होता है वो वाटर बेस्ड हो सकता है, नंबर वन, नंबर टू वो जेल बेस्ड हो सकता है, नंबर थ्री वो ऑयल बेस्ड हो सकता है। अब जो वाटर बेस्ड है हमें यूज करना है नॉर्मल स्किन के लिए, अगर हमारी स्किन क्लाइंट की या हमारी स्किन नॉर्मल है, क्लीन है, क्लियर है, हाइड्रेटेड है, कोई कंसर्न एरिया नहीं है, तो हम सिंपल रेगुलर फेस वॉश या क्लींजर कुछ भी यूज कर सकते हैं, वाटर बेस्ड भी होना चाहिए, वो नॉर्मल वाटर बेस्ड होता है और हम उसको यूज कर सकते हैं रेगुलर जो फेस वॉश आते हैं हमारे। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आपकी या क्लाइंट की स्किन है, तो आपको जेल बेस्ड क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर आपको यूज करने चाहिए, जो थोड़े से कंसिस्टेंसी उनकी अलग होती है, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करते हैं और उसको ग्रीजी आपकी स्किन को नहीं लगने देते हैं, तो आप जेल बेस्ड यूज कर सकते हो प्रोडक्ट्स। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, ड्राई है, रफ है, तो आपको हमेशा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जिसमें थोड़ा सा ऑयल होता है वो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने की हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी स्किन पहले से ही डिहाइड्रेटेड है, उसमें ऑयल है ही नहीं है, उसमें मॉइस्चराइजर की कमी है, तो आपको उसको उतना ही भर भर के मॉइस्चराइजर देना है, जो कि अच्छे से गुड क्वालिटी में उसमें मॉइस्चराइजर हो, ऑयल बेस्ड हो या थोड़ा ग्रीजी हो, क्रीमी हो, अच्छे से क्रीमी होना चाहिए जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर सके। तो ये आपको प्रोडक्ट इस हिसाब से चूज करने हैं, CTM आपका वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड, ऑयल बेस्ड हो सकता है, आप अलग अलग क्लाइंट की स्किन के हिसाब से अलग अलग CTM यूज करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर कौन से आपको लेने चाहिए या क्या क्या उसके ऑल्टरनेटिव है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे हमारा क्लींजर है, क्लींजर के तौर पर आप मिल्क वॉश, जो क्लींजिंग मिल्क आते हैं, मिल्क वॉश आते हैं, वो भी यूज कर सकते हो, गुड क्वालिटी का फेस वॉश यूज कर सकते हो, या तो फिर आप वाइप्स भी रख सकते हो अपने पास, वाइप्स में भी अच्छा हाइड्रेटिंग और क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, वो आपके स्किन को क्लीन कर देते हैं, तो आप मिल्क वॉश, फेस वॉश किसी भी तरह का और वाइप्स, तीनों ऑल्टरनेटिव है आपके पास, कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हो। टोनर में आपको कोशिश करनी है कि पोर मिनिमाइजिंग वाला ही कोई टोनर हो, क्योंकि पोर्स की समस्या सब क्लाइंट्स को होती ही होती है, तो आप पोर मिनिमाइजिंग कोई भी टोनर ले सकते हो। अगर स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, रेगुलर है, क्लीन, क्लियर, हाइड्रेटेड है, तो आप रोज वाटर एज अ ऑल्टरनेटिव, अगर आपके पास टोनर ना हो तो रोज वाटर भी यूज कर सकते हो अपनी क्लाइंट के स्किन के ऊपर,
और मॉइस्चराइजर में आपको कोई भी हाइड्रेटिंग क्रीम, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करना है। अगर उस क्लाइंट की स्किन अभी भी ड्राई लग रही है तो आपको साथ में सीरम यूज कर सकते हो। ये दो ऑप्शन होते हैं आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के। आप मॉइस्चराइजर गुड क्वालिटी का ले सकते हो, हाइड्रेटिंग इफेक्ट जिसमें ज्यादा हो, या फिर आप सीरम भी यूज कर सकते हो, उसमें भी हाइड्रेटिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है स्किन को नरिश करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, आप अपने पसंद के हिसाब से, अपने क्लाइंट के नीड के हिसाब से चूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आज के टिप ऑफ द डे की। आज का टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्किन केयर, मेकअप और ब्यूटी हैक में ये टिप इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको लोग नॉर्मली बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका टिप आज का ये है कि जब भी आपको सीटीएम यूज करना है अपने क्लाइंट के स्किन के ऊपर, क्लींजर, टॉनिक और मॉइस्चराइजिंग करनी है, तो आपको हमेशा एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फटाफट नहीं लगानी है। हमेशा आपको एक मिनट का वेट करना है, 30 सेकंड से लेकर एक मिनट, या मैं तो कहूंगी 2 मिनट तक का वेट कीजिए। क्लींजर लगाया, फेस क्रीम किया, 1 मिनट के लिए आप स्किन को छोड़ दो, उसको नॉर्मल होने दो। उससे पता चल जाएगा कि आपकी क्लाइंट का स्किन क्लीन होने के बाद नेचुरल ऑयल उसमें कितना है, आपको स्किन एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी। फिर टोनर इस्तेमाल करो, फिर 1 मिनट के लिए स्किन को छोड़ दो, टोनर को अच्छे से सेट होने दो, पोर्स को मिनिमाइज करने दो। आपने अगर फटाफट क्लीन कर लिया, टोन कर लिया, मॉइस्चराइज कर लिया, तो स्किन को टाइम ही नहीं मिला सेट होने के लिए। उसके बाद वेट करो, फिर दोबारा से मॉइस्चराइजर लगाओ, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के भी स्किन को 1-2 मिनट के लिए छोड़ दो, ताकि आपने जो हाइड्रेशन लेवल स्किन में दिया है वो स्किन में जाए, तो उसे स्किन में अब्सॉर्ब होने का उसको टाइम तो मिले। अगर आप फटाफट सारे प्रोडक्ट्स लगा दोगे तो आपकी स्किन कंफ्यूज हो जाएगी कि पहले पोर मिनिमाइज करें या हाइड्रेट करें, या स्किन को समझ ही नहीं आएगा सारे प्रोडक्ट्स एकदम से अब्सॉर्ब हो गए। तो इस जल्दबाजी में आप आधे प्रोडक्ट स्किन से हटा भी सकते हो। आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो टोनर कुछ कुछ जगह से हिल गया, तो इसीलिए हमेशा आपको कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करना है 1-2 मिनट के लिए स्किन को छोड़ना है, ताकि वो उसमें सेट हो सके। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक है, टिप है, जो आपको मेकअप के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें आपको बता के। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि अगला वीडियो भी आपके लिए फटाफट लेकर आऊँ, आपके साथ और भी बातें करूँ। प्लीज गाइस, अगर आपके मन में कोई भी आइडियाज है, कमेंट्स है, सजेशन है, तो मुझे बताते रहिएगा, मैं उस चीजों को भी, टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि फ्यूचर में मेकअप, ब्यूटी, स्किन से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। ये कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और प्लीज प्रेस द बेल बटन, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरा वीडियो कब अपलोड हुआ है। स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।